नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने शुरुआत कर रखी है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके हमने दो पार्ट डिस्कस किए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और उनके बीच में एग्रीमेंट क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज वो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रीतम, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जी, आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। हेडिंग डालिए पॉइंट्स ऑफ एरर। जो मैक्सिमम क्वेश्चन इसके देखे गए हैं वो पॉइंट्स ऑफ एरर में देखे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं Points of error based on subject verb agreement। Subject verb agreement पर आधारित जो error के question है वो हम discuss करेंगे एक एक करके। काफी important session है और बहुत ही ज्यादा आसान है। हर एक पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी उनके क्वेश्चंस बनते हैं, विद एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको क्लास में इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि लगभग क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे वो डिटो यहीं से मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट नंबर वन, नन। पहला पॉइंट क्या है? नन का मतलब होता है कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। कल मैंने आपको ना क्लास के लास्ट में चीज बताई थी, एक बार अगर जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, पहले मुझे कमेंट करके ये बता दो कि क्लास की में ऑडियो और वीडियो क्वालिटी क्लियर है क्या, क्योंकि कल थोड़ा इश्यू आ गया था। एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या, ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू कर सके। एक बार कमेंट करें फटाफट, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार मुझे कमेंट करके बताएं क्लियर है क्या? चलिए सब क्लियर है, ओके। तो कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर कहीं पे एक चीज दे रखी है तो आप लगाना सिंगुलर वर्ब, अगर कहीं पे एक से ज्यादा चीजें हैं तो आप लगाना प्लूरल वर्ब, और मैंने बोला था जब कुछ भी नहीं हो, कोई भी ना हो, तो आप लगा देना सिंगुलर वर्ब। कल मैंने कि आपको मेथड बताया था, ठीक है, आज हम इस मेथड का यूज करेंगे। मैंने बोला कि नन का मतलब कोई नहीं, कोई है ही नहीं, तो सर जब कुछ है ही नहीं तो ये तो कहने वाली बात है ही नहीं कि नन के साथ चाहे बीच में कुछ भी दे रखा हो हमारे काम का नहीं है। हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। नन के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है बात? अब ना एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ा शाना बनेगा, तो हम उसे ज्यादा शाने हैं, वो नन के आगे बट लगा देगा। क्या लगा देगा? वो नन के आगे बट लगा देगा। तो दोस्तों आपको याद रखनी है ये बात कि नन का मतलब कोई नहीं, कुछ ना हो तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, लेकिन अगर नन के बाद में बट आ जाए, अगर नन के बाद में बट आ जाए, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो, अगर नन के बाद में बट आ जाए तो आपको नाउन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? आपको नाउन देखना पड़ेगा। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगा देना। नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, अगर नन के बाद में बट आ जाए तो सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जैसा आपका नाउन होगा वैसे हम वर्ब लगा देंगे। क्लियर? नोट करो जी। नोट करिए फटाफट।
करिए नोट, फिर हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। गुड मॉर्निंग सपना, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, क्लियर है। आइए अब इनके एग्जांपल देखते हैं। बिल्कुल शांति से आपको काम करना है। एक एक पॉइंट आपका समझ में आएगा, आपको बहुत आसान है। एक मिनट थोड़ा सा वेट करना, एक मिनट। चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जांपल देखते हैं। नंबर वन, नन हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। नन हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। नन ऑफ द न्यूज इज यूजफुल, इज यूजफुल। नन बट सम बॉयज इज waiting for you. None but Ram have gone there. करिए जी नोट और इनको आप ट्राई करें, इनको आप ट्राई करें फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। करिए जी, आपको देखना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। हेलो 98, मैं कर रहा हूँ, मैं 69 मैम, दोबारा करो 69। देख रहा हूँ मैम, हो गया, करता हूँ अपलोड। मैं ये आप लोगों ने बच्चों, चलिए जी
फर्स्ट रॉन्ग, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। एक चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नन आ गया ना सर, देखना है नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं कि पेपर में टाइम ही नहीं लगेगा, मैंने देखो पूरा वाक्य पढ़ा ही नहीं, क्यों पढ़ूं भाई, मेरे को एरर मिल गया, बात खत्म। नन है सर, इज है, बिल्कुल सही है सर। नन के बाद में बट आ गया सर, नन के बाद में बट आ गया, तो बट के लिए हमें नाउन देखना पड़ेगा सर। नाउन है बॉयज सर, नाउन तो प्लूरल है, तो क्या आएगा, आर आएगा सर। नन के बाद में बट आ गया तो नाउन देखना पड़ेगा, नाउन है राम, राम तो एक बंदा है, तो सर यहां पे हैज आएगा। बात समझ में आई आपको, करो जी इसको ठीक करो फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। करो जी नोट करो फटाफट। हेलो मैम, इसे प्राइवेट करना है या अनलिस्टेड करना है? ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। चलिए डन, आओ अब ना बच्चों को क्या लगता है कि उनको ये बात समझ में आ गई। नंबर दो देखिए फिर क्या आया, अब वो क्या करेगा, नन बट की जगह क्या लिख देगा, नथिंग बट। क्या लिख देगा नन बट की जगह, नथिंग बट। बच्चों को लग रहा है सेम सेम है दोनों, उनको लगेगा सेम है पर सेम नहीं है, लेकिन ये आसान है उससे। कैसे आसान है, नथिंग बट के बाद चाहे नाउन कैसा भी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई आपको बात, नन बट में तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, बट नन बट में हमें नाउन देखना पड़ता है, पर नथिंग बट में हमें कुछ भी नहीं देखना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, नथिंग बट द वॉटर हैज बीन सेंट टू मी, नथिंग बट द वॉटर हैज बीन सेंट टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नथिंग बट सम चेयर्स आर अवेलेबल इन द रूम, इन द रूम। करें जी बच्चे ट्राई करें, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर बता पाते हैं, फटाफट करें जी फटाफट। करिए जी करिए,
किया आप लोगों ने, तो ये तो बहुत ही आसान है सर, आसान तो बनाना ही तो मेरा काम है, नथिंग बट आ गया ना एज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अजय। राम राम मेरे प्यारे दोस्त नवदीप प्रीतम। चलिए जी आइए, यहां पे आ गया नथिंग बट, यहां पे क्या आ गया, नथिंग बट आ गया। तो बच्चों को लग रहा है सर चेयर से तो आर लगाओ, नहीं 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 यहीं पे तो नंबर कटवाओगे आप। मैंने क्या बोला, नथिंग बट के बाद चाहे नाउन कैसा भी हो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। बच्चों से आप पूछ के देख लेना किसी से ये क्वेश्चन, बच्चा सोचेगा यहाँ पे आर आएगा ना, नथिंग बट। मैंने क्या बताया, नथिंग बट के बाद चाहे नाउन कैसा भी है, चाहे नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। आज थोड़ी ना मेरी तबीयत डाउन है, तो प्लीज अगर थोड़ी बीच में डिस्टरबेंस हो तो प्लीज यार सहन कर लेना। आइए, मेरे को फीवर है, कोल्ड है, इससे थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ सकती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो नंबर 3 है वो है भाई वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास है ना इंग्लिश में टोटल 12 शब्द हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा। वो 12 शब्द कौन से हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये 12 शब्द आपको कहीं दिख जाए हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अभी मैं बताता हूं कैसे होगा। प्रियंका क्या कह रहे हैं बच्चे? हाँ जी पमिला, अभी तक तो ऐसा ही है, अगर कोई भी चेंजेस होता है तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए, तो मैंने क्या बोला, 12 शब्द, कौन से 12 शब्द है देखिए, इनको तरीका दिखाता हूं आपको याद करने का। एवरी, सम, नो और एनी, ठीक है? फिर यहां पे लिखो बडी, वन और थिंग, लिख लिया। एक बात बताओ, ये वर्ड कितने हैं जी, 1 2 3 4, ये तो है 4, 1 2 3, ये है 3, 4 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए, 12 वर्ड्स हो गए ना, हो गए ना 12 वर्ड्स, बन गया देखो। एवरी बडी, सम बडी, नो बडी, एनी बडी, एवरी वन, सम वन, नो वन, एनी वन, एवरी थिंग, समथिंग, नथिंग, एनी थिंग। समझ आ गई बात आपको, आ गई ना? इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। सर हमें याद कैसे होगा, अबे याद करना ही नहीं है, बोल के देखो। एवरीबडी का मतलब क्या हुआ, हर एक, आखिरी में क्या आ रहा है, एक आ रहा है ना, एक के लिए तो सिंगुलर वर्ब आएगी। समबडी, कोई एक, नोबडी, कोई भी नहीं, एनीबडी, कोई भी एक, आखिरी में या तो एक आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मैंने कल बताई थी कि या तो एक चीज आ जाए या कोई भी ना हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ में आई, करो जी नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करें आप। इंग्लिश में बच्चों ये मेरी कमिटमेंट है, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा आपका, कभी भी एक नंबर भी नहीं कटेगा। इंग्लिश में आप बिल्कुल निपराम हो जाइए, कभी भी आपकी कोई नंबर नहीं कटेगा। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा चैप्टर के साथ भी और चैप्टर के बाद भी, और डिट्टो वो के वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है? आप बस नोट करते चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको।
किया आप लोगों ने। चलिए जी एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे आप में से बता पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। नथिंग आर इम्पॉसिबल अंडर द सन, अंडर द सन एवरीबडी हैव गोन, हर कोई जा चुका। एवरीबडी अमंग यू हैव डन वेल। करिए जी दोस्तों सॉल्व करें। करिए सॉल्व फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे आप में से सही कर पाते हैं। नवदीप ने कमेंट किया है, बिल्कुल अभी रिपीट कर देता हूं दोस्त, अभी रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए बहुत आसान है, एवरीबडी समबडी नोबडी एनीबडी, एवरीवन समवन नो वन एनीवन, एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग। अगर कहीं पे आपको ये 12 शब्द दिखाई दे जाएं, तो इन 12 शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा। और मैंने एग्जांपल क्या लिखा, देखो एग्जांपल देखो क्या लिखा, नथिंग है ना, एवरीबडी एवरीबडी, इन शब्दों के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, इन शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो नथिंग के साथ इज आएगा, नथिंग एवरीबडी के साथ सिंगुलर हैज आएगा, एवरीबडी के साथ हैज आएगा। करो जी, यही तो बोला है मैंने कि सिंगुलर वर्ब आती है। करिए जी दोस्तों नोट करें। प्रीतम क्लियर, वेरी गुड प्रीतम, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है ना, क्लियर हुई सभी को बात। आओ अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, नंबर चार, नंबर चार पे बढ़ेंगे। आइए, नेम ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स। एक बात बताओ, देखो रेंज ऑफ माउंटेन का क्या मतलब होता है, ये देखिए आप, माउंटेन का मतलब है, माउंटेन का मतलब है एक पर्वत, माउंटेन का मतलब होता है एक पर्वत, रेंज ऑफ माउंटेन का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला जिसके अंदर बहुत सारे पर्वत होते हैं। तो जब बहुत सारे पर्वत हो ही गए, जब बहुत सारे पर्वत हो गए, रेंज ऑफ माउंटेन के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब आएगी,
प्लूरल वर्ब आएगी। करिए दोस्तों, नोट करें, नोट करें फटाफट। करिए दोस्तों फटाफट नोट। डन सर। चलो जी, डन तो डना डन करते हैं। समझ में आई ना बात आपको? आओ मेरे दोस्तों, हर एक छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ये छोटी छोटी बारीक की बात है ना, आप हिंदी में लिखते रहना साथ में कि पर्वत श्रृंखला जिसमें बहुत सारे पर्वत होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। हिमालयाज इज इन द नॉर्थ इंडिया। द हिमालयाज इज इन द नॉर्थ इंडिया। डू यू नो दैट, डू यू नो दैट द स्विस एल्प्स इज द रेंज ऑफ माउंटेन। करिए मेरे प्यारे दोस्तों, सॉल्व करें। अच्छा, अब ना काफी बच्चे पता है मेरी ऑफलाइन क्लास में मुझसे क्या पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी पर्वत का नाम है या फिर किसी पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। मतलब उन्होंने क्या पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये माउंटेन का नाम है या फिर माउंटेन रेंज का नाम है। तो माउंटेन रेंज के आखिरी में ना आपको पक्का क्या मिलेगा, देख लो क्या मिलेगा। एस मिलेगा। जिस भी पर्वत के नाम के आखिरी में एस मिल जाए, समझ जाना कि वो पर्वत श्रृंखला है, वो पर्वत नहीं है, वो एक माउंटेन नहीं है, वो रेंज ऑफ माउंटेन है। ये ट्रिक है इसकी। तो द हिमालयस क्या हुआ, रेंज ऑफ माउंटेन, तो सर यहाँ पे इज नहीं, आर आएगा। सर स्विस अल्प्स ये क्या है, रेंज ऑफ माउंटेन दे भी रखा है, तो इज नहीं, आर आएगा। समझ में आए मेरे दोस्तों आपको बात? आया समझ में? ये छोटी छोटी बारीक बारीक ट्रिक्स होती है इंग्लिश में जो आपको चीजें याद करवा देगी। आप किसी बच्चे से पूछोगे माउंट एवरेस्ट, वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है। आपको पता है भाई माउंट एवरेस्ट, सर एस है ही नहीं आखिरी में, इसका मतलब तो ये सिर्फ एक माउंटेन है। अगर इसके आखिरी में एस होता तभी ये माउंटेन रेंज बनता। समझ में आई आपको बात? करो जी नोट करो।